गणेशोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर सेक्टर 2 न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति द्वारा विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई है। वहीं दक्षिण भारतीय परंपरा की तर्ज पर कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया। सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर कुमकुम पूजा में भाग लिया। गणेश उत्सव का पर्व हर्ष व उल्लास के साथ देश प्रदेश व जिले भर में मनाया जा रहा है। सेक्टर 2 में न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति द्वारा भी पूरी भव्यता से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। विशाल प्रतिमा की स्थापना कर प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। वहीं गणेशोत्सव के सातवें दिन कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रख कुमकुम पूजा में भाग लिया। 16 श्रृंगार कर व्रत रख सुहागिन महिलाओं ने पूजा की थाली सजाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव ने कुमकुम पूजा का महत्व बताया। कुमकुम पूजा का महिलाओं के लिए बहुत महत्व होता है। महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए कुमकुम पूजा का आयोजन व्रत रखते हैं और समिति हर वर्ष ये आयोजन कराता है। समिति सारा चीज़ की व्यवस्था करते हैं, जो भक्तगण इसमें जो शामिल होता है निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। और इस पूजा का बहुत महत्व है, ये केवल साउथ में होता था लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस पूजा का महत्व है। या साउथ दक्षिण भारतीय लोग द्वारा ही या फिर सभी धर्मों की मतलब सभी महिलाएं इसको करती हैं? नहीं, सारे अभी अपने पंडाल में बैठे हैं, सारे धर्म के लोग बैठे हैं और सारे मतलब यहाँ पर लोकल भी हैं, नॉन लोकल हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और एक हमारा प्रयास रहता है कि एक संस्कार मतलब पूजा पंडाल से यहाँ पर जाए तो कुमकुम अर्चना पूजा का जो महत्व है ये बहुत बड़ा महत्व होता है। गणपति महाराज के सामने आने वाले 3 दिन में हर दिन नया नया मतलब डेली हवन हो रहा है, महाआरती होगा और विशेष आरती पूजा डेली गप्पा का जो जो माला है जो है आकर्षित, ये मुंबई से मंगा रहे हैं अपन, चेन्नई से मंगा रहे हैं, हर दिन एक नया माला मतलब रहेगा गप्पा का, नया आकर्षक मतलब मिलेगा, डेली लाइटिंग चेंज हो रहा है, उसके साथ एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप बिल्कुल इस पूजा पंडाल में आप लोग आइए, गप्पा का दर्शन करें। बहरहाल कुमकुम पूजा में बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने भाग लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।